students, I Vinesh welcome you to science class. Students, I will explain a very interesting chapter, that is electricity and circuits. In this chapter we will discuss about the electricity. As you know that nowadays we use electricity to run all the gadgets which are present in our house. हमारे घर के अंदर जितने भी गैजेट्स हैं, जैसे कि फ्रिज है, एसी है, कूलर है, तो वो सभी किस पर रन करते हैं, किसकी वजह से चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, बिजली की वजह से. ठीक है, तो हम मतलब जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बगैर हम लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके बगैर जो जीवन है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है. कई बार आप देखते भी हैं कि जब लाइट नहीं आती है किसी भी रीजन से, तो हम लोग सभी बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे काम हमारे रुक जाते हैं. इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये क्या करती है? इट लाइट अप ऑल द हॉस्पिटल्स, हाउस और ऑफिसेस एंड स्ट्रीट्स, इन सभी को लाइट अप करने का भी काम करते हैं. जैसे मोस्टली दिन में भी हम जला के रखते हैं और रात में भी, रात में तो जरूरत होती ही है. ठीक है, क्योंकि डे टाइम में क्या होता है, हमें सनलाइट मिल जाती है. तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि एक टॉर्च जिसे हम यूज करते हैं लाइट करने के लिए, लाइट अप करने के लिए, किसी भी रूम वगैरह को या कोई चीज सर्च करनी है तो उसके लिए हम टॉर्च का यूज करते हैं. तो टॉर्च के अंदर ऐसा क्या होता है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वो बल्ब उसका जलना शुरू हो जाता है, और जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं वो बंद हो जाती है. ठीक है, तो उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे. देखिए, फर्स्ट है इलेक्ट्रिक सेल. आप एक टॉर्च को, एक टॉर्च लिया और उसको अनस्क्रू किया. ठीक है, आप अपने घर से कोई भी टॉर्च ले सकते हैं, उसको अंदर से इंटरनल पार्ट्स चेक कर सकते हैं, और कुछ एक ने किए भी होंगे कभी, इंटरनल पार्ट्स को आप चेक कर सकते हैं. तो आप उसके अंदर क्या देखते हैं कि एक बल्ब होता है जो लाइट अप करता है, रोशनी देता है. इसके अलावा उसके अंदर दो या तीन क्या होते हैं, इस तरह के सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक सेल कहा जाता है. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल. इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसा इसमें क्या होता है जिसकी वजह से ये क्या करता है कि एक बल्ब को जलाने में हेल्प करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो देखिए, एक सेल जो होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरह का है. इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मेटल कैप होती है. ठीक है, और इसके बेस में यहाँ पर आप एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है मेटल डिस्क एट द बेस ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. ठीक है, तो जो कैप वाला साइड है इस सेल का, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, बिकॉज इस सेल हैज टू टर्मिनल्स. एक सेल के अंदर कितने टर्मिनल होते हैं? दो टर्मिनल होते हैं. ठीक है, जो कैप वाली साइड का टर्मिनल है उसे कहा जाता है पॉजिटिव टर्मिनल, और जो डिस्क वाला है, मेटल डिस्क एट द बेस ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. क्लियर, तो ये दो हैं क्या इसके टर्मिनल्स. अब नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल. इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, वो केमिकल्स क्या करते हैं? द केमिकल्स कन्वर्ट इन टू दीज केमिकल्स यूज एंड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, वो यूज होते हैं और उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इस सेल के अंदर. ठीक है, अब देखिए ये केमिकल क्या है, एक पाउडरी स्टफ होता है सेल के अंदर. आप इसको, एक सेल को ब्रेक करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि नया वाला मत करना. आप जब ओल्ड सेल को ब्रेक करेंगे तो क्या करें, देखेंगे उसके अंदर ब्लैक कलर का सब्सटेंस निकलेगा, लेकिन अगर एक न्यू सेल को आप ब्रेक करके चेक करते हैं तो आपको दिखाई देगा व्हाइट व्हाइट कलर का पाउडरी स्टफ. ठीक है, क्योंकि जो व्हाइट है वो यूज अप नहीं हुआ है अभी, उसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं की है. ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. अब देखिए, अगर दो या दो से ज्यादा सेल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है तो क्या होता है, नाउ ए बैटरी इज फॉर्म्ड. बैटरी किसे कहेंगे हम, कि जैसे हमने टॉर्च का नाम लिया तो हम कई बार ये भी कह देते हैं दिस इज अ बैटरी,
है ना, ये बैटरी है टॉर्च के लिए, तो वो क्यों कहा? क्योंकि उसके अंदर दो या दो से ज्यादा सेल्स यूज हो रहे हैं। तो जब दो या दो से ज्यादा सेल्स आपस में जोड़ दिए जाते हैं, कनेक्ट कर दिए जाते हैं, हम ये भी पढ़ेंगे कि कनेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाती है, एक बैटरी बन जाती है। हाउ वी कैन डिफाइन ए बैटरी? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स, ठीक है, बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स, क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अ टॉर्च बल्ब, क्योंकि हम एक टॉर्च में क्या देखते हैं, एक स्विच होता है, एक सेल होता है और दूसरा बल्ब होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि बल्ब जो है, टॉर्च का बल्ब, वो किस तरह का होता है, उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है। देखिए, जो बेस है नीचे की तरफ बल्ब के अंदर, वो मेटल का बना हुआ है, दिस इज मेटल केस एंड इट हैज ग्रूव्स ऑन इट, ठीक है, इसके ऊपर क्या है कि ग्रूव्स होते हैं। इसके अलावा एक राउंड शेप्ड ग्लास होता है, ग्लास केस होता है, ठीक है, ये जो आउटर कवरिंग है, दिस इज मेड अप ऑफ ग्लास, ग्लास की बनी हुई है। अब इसके अंदर कई बार आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि इस बल्ब के अंदर की तरफ आप दो वायर्स देखते हैं और उन दो वायर्स की हेल्प से, थिन वायर्स होते हैं, इनकी हेल्प से एक पतला सा वायर कनेक्ट होता है, थिन वायर कनेक्ट होता है इन दोनों वायर्स से। दिस थिन वायर इज कॉल्ड एज फिलामेंट। ये क्या होता है? इसका फिलामेंट होता है। जब आप टॉर्च को जलाते हैं तो क्या होता है, करंट पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और ये जो फिलामेंट है ये ग्लो करना शुरू कर देता है, रेड हॉट हो जाता है और उसके बाद ये लाइट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके अंदर भी, एक बल्ब के अंदर भी दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल जो है इसके साइड में होता है, जो मेटल ग्रूव्स हैं यहां पे साइड में होता है और दूसरा इसके बेस में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक टॉर्च का बल्ब का स्ट्रक्चर जो है वो भी आपने देखा। देखिए, अब हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि कैसे एक जो सर्किट है वो कंप्लीट होता है, कैसे हम इनको जोड़ सकते हैं। देखिए, वी हैव टू टेक ए वायर, हमें क्या लेना है, वायर्स लेने हैं, दो छोटे छोटे पीस लेने हैं वायर के, ठीक है। यू कैन मेक एक्सपेरिमेंट, यू कैन डू एक्सपेरिमेंट, बट पेरेंट्स की प्रेजेंस में, पापा या मम्मी की प्रेजेंस में ही करके देखें, ठीक है। बल्ब लें और एक सेल लें, ठीक है, एक ही सेल लेना है आपको, ज्यादा नहीं लें। एक बल्ब को कैसे कनेक्ट करेंगे आप देखिए, एक सेल लिया, जैसे ये सेल है यहां पे, ठीक है, तो ये सेल लिया, दूसरा दो वायर्स ले लिया आपने और इसके अलावा टॉर्च का बल्ब, ठीक है। एक वायर जो है उसे आपको नेगेटिव साइड से कनेक्ट करना है सेल के, और बल्ब के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है, ठीक है, और दूसरा जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको सेकेंड वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। ये नहीं करना कि कहीं आप इस यहां से तो नेगेटिव और पॉजिटिव ही रखें बट यहां पे एक ही साइड में कनेक्ट कर दें तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इस बल्ब के भी दोनों अलग अलग टर्मिनल के साथ ही इसे कनेक्ट करेंगे। पॉजिटिव को यहां से कनेक्ट कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहीं से ही करें, ठीक है, बट फिर ये ध्यान रखें कि जो सेकेंड वाला कनेक्शन करेंगे आप, जैसे नेगेटिव से, उसको आप या तो यहां से, मीन्स उसके जस्ट अपोजिट करना है, सेम से नहीं करना है, ठीक है। तो क्या होगा, फिर वो बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं कि दोनों वायर्स को एक ही साइड में, सेल के एक ही साइड से कनेक्ट कर देंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, कनेक्शन लूज नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक सेल के साथ बल्ब को जोड़ सकते हैं और फिर क्या होगा, बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।